Assalamu alaikum to all. In this video we will discuss about the requirements for the biofloc fish farming. इसके अंदर हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो रिक्वायर्ड हैं एक बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में और एक टैंक की प्रोटेक्शन के लिए और टैंक की प्रोसेसिंग के लिए। जो सबसे मेन चीज़ है, जो फर्स्ट चीज़ है, वो क्या है? थिंग्स दैट यू नीड फॉर स्टार्ट अ बायोफ्लॉक फार्मिंग इज दी प्रोबायोटिक। जो सबसे मेन है वो यही है कि जो प्रोबायोटिक है, यू नीड अ प्रोबायोटिक विच यू विल एड इन टू अ बायोफ्लॉक वाटर। इसके अंदर जो होता है अमोनिया रिडक्शन है, रैपिड अमोनिया रिडक्शन, एक्सलेंट रिडक्शन इन नाइट्राइट टॉक्सिसिटी, प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट, डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर इम्प्रूव ग्रोथ। इसके अंदर आप जो बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो रीग्रोथ करते हैं, जिससे जो बायोफ्लॉक का सिस्टम है वो पूरा प्रिपेयर होता है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं इस चैनल पे। देन यू नीड अ कार्बोहाइड्रेट्स, मोलेसेस और शुगर और जैगरी हेल्प्स टू मेंटेन द इकोसिस्टम दैट इज कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो फिश में ग्लूकोज ऐड करता है आपके वाटर टैंक में और कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को मेंटेन करता है। The next thing that you need is the calcium carbonate or dolomite, calcium magnesium bicarbonate balances the pH in the water. ये वाटर के अंदर पीएच को मेंटेन के लिए मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ फिश टैंक। देन यू नीड अ फिश टैंक इन विच यू एड योर फिशेज और अदर इंग्रेडिएंट्स। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टार्पोलिन टैंक फॉर बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। उस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो टार्पोलिन टैंक है वो किस तरह से है और इसकी प्रिपरेशन जो है वो भी आप इसी चैनल पे एक वीडियो है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। इरिगेशन पंप्स एंड एक्सेसरीज। इरिगेशन पंप्स, एयर स्टोन्स, एयर ट्यूब्स एंड एयर कंट्रोलर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर। ये डीओ लेवल भी कहते हैं इसको, या डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल भी कहते हैं। इन सबको मेंटेन करने के लिए इरिगेशन पंप्स यूज किए जाते हैं और इसके सारे डिफरेंट एक्सेसरीज हैं जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। देन पीएच मीटर इज वेरी नेसेसरी। जो पीएच है पानी की वो कितनी होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ हेल्दी फिश। सो यू कैन यूज दीज मीटर्स टू चेक द पीएच ऑफ द वाटर। डिजॉल्व ऑक्सीजन मीटर मोनिटर्स डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर। आप डिफरेंट जो हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं मार्केट में, यू कैन यूज अदर इंस्ट्रूमेंट और यू कैन यूज दिस इंस्ट्रूमेंट दैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर। नेक्स्ट इज द सैलिनिटी मीटर, मेजर्स द सॉल्ट लेवल इन द वाटर। दे आर डिफरेंट मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन दिस पिक्चर। यू कैन सी आर इंस्ट्रूमेंट इन विच यू कैन चेक फाइव थिंग्स इन वन इंस्ट्रूमेंट डेट आर पी एच, टी डी एस, डेट आर टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, ई सी टेम्परेचर एंड दी सेलिनिटी। अमोनिया टेस्ट किट प्रोवाइड्स प्रेजेंस ऑफ द अमोनिया नाइट्राइट एंड इन नाइट्राइट इन दी वॉटर। क्लोरीन टेस्ट किट प्रोवाइड्स प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इन दी वॉटर। There must be a specific amount of chlorine in water. Excessive amount of chlorine will be harmful for the fishes. So, for checking the chlorine level, you should have this chlorine test kit, and you will need it for your biofloc preparation processing. Iron test kit provides presence of iron in the water. There must be a specific amount of iron in the water. So you must need this kit for check the iron content in the water. Potassium permanganate, ये बहुत ज़्यादा important है for checking the harmful bacteria in the water. इसको use किया जाता है remove करने के लिए iron from the water for the sanitization of the tank. It also used for killing the harmful bacteria.
यू कैन सी इन द पिक्चर कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है. वाटर के अंदर इसके स्पेसिफिक अमाउंट ऐड की जाती है जिसको टैंक में यूज़ किया जाता है फॉर द क्लीनिंग और फॉर रिमूविंग द आयरन और हार्मफुल बैक्टीरिया. वाटर हार्नेस जैकेट. देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ हार्नेस ऑफ वाटर इन द फिश टैंक सो यू कैन यूज दिस किट फॉर चेकिंग द हार्नेस जैकेट. Alkalinity test kit. Check alkalinity of the water. How much alkalinity of the water must be in fish tank? So you can use this these test strips for checking the alkalinity of the water. Raw sea salt. The salt that having no iodine required to maintain the salinity of the water. You can use these bottles to add a raw salt into the water. Imhoff cone measures the flock level of the water. You can see the Imhoff cones in the picture that you will use for checking the flock level in the water. Water temperature meter monitors water temperature. There are so many instruments that you can use for checking the temperature for a water. In this picture you can see an instrument in which you will check 5-in-1 water quality tester. You can check pH, TDS, EC, temperature, salinity. We have already discussed this measuring instrument. You can use this or other instrument for checking the temperature of the water. Power backup inverters, generators, solar power backup, continuous power backup required. These type of instrument are very important in a fish tank or bioflux system because these system provide the electricity to the fish tank or the off-hall system. Thanks for watching this video. You can also see these videos, what is bioflux or bioflux farming on this channel. You will get the link in description box.